वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संजय सेठी है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। अब हम बात करेंगे सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि की, जो कि देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। नवरात्रि पूजा के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विस्तृत रूप से की जाती है। ब्रह्मचारिणी ज्ञान से भरी युवती के रूप में प्रकट होती हैं। उनके पास एक माला और कमंडल लेकर दो हाथ हैं। वह भक्तों को अनंत ज्ञान और आनंद प्रदान करती हैं। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है अविवाहित और युवा। ब्रह्मचारिणी का सौम्य और शांत रूप मन में शांति लाता है और लोगों में आत्मविश्वास का एक बड़ा हिस्सा पैदा करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। शास्त्रों का कहना है कि देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की शासक हैं। वह सभी भाग्यों की दाता हैं और वह अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं। मंगल दोष और कुंडली में मंगल की प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कुछ इस प्रकार होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा फूल चमेली है, इसलिए दूसरे दिन नवरात्रि पूजा चमेली के फूलों से करें और सबसे करुणामयी माता का आशीर्वाद जीतें। माँ ब्रह्मचारिणी के दिव्य रूप पर विचार करें और पूजा समाप्त करने के लिए आरती के साथ समाप्त होने वाले 16 प्रकार के प्रसादों का भोग लगाएं और ब्रह्मचारिणी माँ का मंत्र उच्चारण करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की स्तुति। यह देवी सार्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमो नमः। दूसरे दिन का महत्व नवरात्रि पूजा। ब्रह्मचारिणी की पूजा एक गंभीर तपस्या के बराबर है। यह भक्तों के लिए त्याग, सद्गुण और कुलीनता के मूल्य देता है। प्रगति और सफलता की बाधाएं हटा दी जाती हैं और परिवार अपनी सभी गतिविधियों में एक बड़ी मानसिक शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और अपनी प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करें। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया। कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।